प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सच ये भी है कि हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में हम आ पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ रायपुर में। यहां हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कविता देव से, जो आपकी और हमारी सेहत के लिए मिलेट से कर रही हैं रेडी टू कुक आइटम्स तैयार। तो चलिए हमारे साथ। I'm good and welcome to our show Krishi Startup. Thank you very much. Aiye na. तो फाइनली कविता देव जी हमारे साथ हैं और उनका इंट्रोडक्शन वो खुद ही आपको देंगी। जी कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि स्टार्टअप प्रोग्राम में, और आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरे नाम है कविता देव, मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। आई हैव डन माई बी एड, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आंध्र प्रदेश से, विशाखापट्टनम आंध्र यूनिवर्सिटी से। ये मेरी प्रोफेशन, बट लेटर घर का हर चीज़ होने के बाद बाई पैशन मुझे खेती बहुत पसंद आता था, तो आई स्टार्टेड फार्मिंग। इसमें सस्टेनेबिलिटी के लिए मेरी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया इम्यूनो मिलेट का नाम से। आप एक टीचर भी हैं और अब मिलेट्स में आप आ गई हैं, तो आपने बताया आप आंध्र प्रदेश से हैं, तो छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप शुरू की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? मैं विशाखापट्टनम से हूँ, शादी होके यहीं पर आया था। टिल देन मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट हो गया, तो आफ्टर दैट आप जानते हो बच्चे घर वे सब संभालना पड़ा। लेटर ऑन आई गॉट अ चांस दैट अब तुम्हारी इच्छा से जो तुम्हारी मन है वो करो, तो आई थॉट दैट हमारी फ्यूचर रूरल में ही होगा, अर्बन में है ही नहीं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड मैनी थिंग्स। सो हमने खुद खेत खरीदा एंड वी स्टार्टेड फार्मिंग देयर, बट अनएक्सपेक्टेडली छत्तीसगढ़ में उतना सस्टेनेबिलिटी नहीं था खेती में, नेचुरल फार्मिंग में। तो आई थॉट मैं घर से पैसा कितना साल तक उठाऊंगी, तो आई शुड डू समथिंग विच आई नो। सो फ्रॉम लास्ट 10 years हम मिलेट्स में ही खा रहे रहते हैं, तो हर चीज़ मुझे पता, तो आई थॉट दैट वाई कांट आई स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप। तो कविता जी, आप फार्मिंग से स्टार्टअप में आई हैं, तो जब आपने फार्मिंग शुरू की तब मिलेट को ही चूज़ किया या सिर्फ स्टार्टअप के लिए आपने मिलेट्स को चूज़ किया? नो, एक्चुअली जब मैं फार्मिंग शुरू किया था, इट इज़ इन द ईयर ऑफ 2018 आई स्टार्टेड फार्मिंग, बट नेक्स्ट ईयर यू नो द पैंडमिक हैज़ कम, तो मुझे खेत जाने का भी मौका नहीं मिलता था। एंड इन दिस 1 year आई हैव नोन दैट अब मैं अकेली डायरेक्ट टू कस्टमर काम कर ही नहीं सकती हूँ। जब मैंने फार्मिंग में आया था, मैंने दो चूज़ किया, मैं मिडिल मैन को हटाऊंगी, कम से कम मेरी खेत का जो प्रोड्यूस है मैं कम से कम डायरेक्टली कस्टमर्स को दूंगी। बिकॉज अब 12 एकड़ खेत में 4-5 आइटम्स उगाएंगे तो बहुत कम क्वांटिटी आती है, तो वाई कांट आई डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द मार्केट, आई थॉट लाइक दैट। मगर जब पैंडमिक शुरू हुआ मुझे पता चला ये होने वाला नहीं है, एंड दैट टू मैं बिजनेस कम्युनिटी से नहीं हूँ पहले से, तो मैंने सोचा इसका नहीं, बट मुझे कुछ और काम करनी है। तब तक मुझे पता चला चावल इसके लिए इतना पानी चाहिए। बिल्कुल, तो आप बिज़नेस कम्युनिटी से नहीं हैं फिर भी आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो क्या कुछ चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो बहुत सारा आया है मेरे सामने। हमारी राबी रफ्तार योजना में हुलास पाठक सर है, ही इज़ माई मेंटर, इन्होंने मुझे बहुत मदद किया। कविता जी आप ऐसा चलो, कविता जी आप इसको रखो, ये पेपर्स ऐसे सबमिट करो, दे हेल्प मी अ लॉट। तब से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो चुका है। एक्चुअली मैंने ये नहीं सोचा अब पैसा कहाँ से आएगा फिनेंशियली, तो पैंडेमिक 2020 में मेरे को पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट में एक स्कीम है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड
व्हाट्स इन नया स्टार्टअप्स विच दे हैव अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, उनको फंडिंग में ग्रांट देते हैं. सो मैंने चूज़ किया नहीं, अब मुझे मिलेट्स में ही जाना है, बिकॉज हम घर में मिलेट्स खाते थे. मैं जब साउथ बच्चों का हॉलीडेज में जाती हूँ, आई यूज टू स्पेंड द कम्प्लीट 2 months इन वन टॉपिक. पहले मैं फार्मिंग शुरू किया, हर जगह हम फार्म्स में विजिट करते थे, वहाँ 2 दिन हम रहते थे, सीखते थे, और ये दवाई कैसे बनाओ, वो दवाई कैसे बनाओ. तो उसका बाद में मैं फिर मिलेट्स में गया. जी, क्योंकि आप साउथ से हैं, आंध्रा से हैं, और वहाँ पे मिलेट्स को लेकर लोग काफ़ी अवेयर हैं, लेकिन क्योंकि अब आप छत्तीसगढ़ में हैं और यहाँ के जो लोग हैं उतने अवेयर नहीं हैं मिलेट्स के बेनिफिट से. तो जब आपने मिलेट्स को चूज़ किया था तो दिमाग में कॉन्सेप्ट, मुझे प्रॉब्लम यह आया था, ये मैं तो फर्स्टली ब्राउन टॉप मिलेट उगाया, क्योंकि ब्राउन टॉप मिलेट में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है. मैंने सिर्फ 1 पाव एकड़ में लगाई, प्रोडक्शन आने का टाइम हुआ, यू डोंट, आपको पता भी नहीं चलेगा. कल रात को हमने सोचा कल हम हार्वेस्ट करेंगे, कल सुबह हमने जाके देखा एक भी दाना नहीं है. एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स आया होगा रात को, पूरा की पूरा खा लिया, हमको थोड़ा सा इतना दाना भी नहीं बचा है. जो नीचे गिरा हुआ है वो ज़मीन में रह गया. तब हमको क्यों, बिकॉज उनका भी खाना नहीं है, आसपास पूरा धान का खेती हो रही है. तो हम मेहनत से उगाया, मगर एक ही चूज़ हम पॉजिटिवली ये सोचा, ठीक है ये भगवान के लिए पहली बार हम अर्पित कर दिया. दैट इज़ व्हाट हम लोग सोच के फिर शुरू किया है. तब मुझे और चैलेंजेस पता चला, यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट्स है ही नहीं. अब मैं उगाना तो शुरू करूँगी, मगर आपको प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, तो आप उगा के क्या करेंगे? इसको ले जाके मैं प्रोसेसिंग यूनिट कहीं दे नहीं सकती. तब मैंने सोचा ठीक है, अब मैं सर से बात करनी है, वीसी सर से. मुझे पता चला रायपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक है. तब से मैं शुरू किया प्रचार करना, मिलेट्स क्या है, क्यों खानी है, बिकॉज मुझे मेरी प्रोडक्ट बेचना है, मार्केट करनी है, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना. तो पहला एक बड़ा चैलेंज ये था कि जो मिलेट्स को लेकर लोगों को अवेयर करना था, और दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि आप उगा तो रहे हैं लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, तो उसको कंज्यूम किस तरह से किया जाए. तो शायद यही जो प्रॉब्लम रही होगी, इसी ने आपको मिलेट एंटरप्रेन्योर बना दिया. वेरी गुड, दैट्स राइट, व्हाट यू डूइंग इज राइट. जी जी, मुझे 3 चैलेंजेस पब्लिक से आया. एक, आप मिलेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहाँ मिलेगा? तो मैं उगाना तो तब से शुरू कर चुकी हूँ ऑलरेडी. सेकेंड थिंग, इसे क्या बेनिफिट्स है किसी को भी नहीं पता. द थर्ड थिंग इज दैट खाएंगे कैसे, क्या पकाएंगे, कैसे पकाएंगे, क्या बनेगा इससे. कविता जी ने ये जो थर्ड पॉइंट बताया है कि ये बनेगा कैसे, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है कि हर थाली तक हम मिलेट्स को पहुँचाएं कैसे. ये उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो रेडी टू कुक आइटम्स आपके लिए लेकर आई हैं, और क्या उनकी माइंड में रहा, क्या क्या वो आइटम आपके लिए लेकर आई हैं. लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर. फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में, कुछ रोचक जानकारियाँ. कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुँचे हैं चंबल के बिहड़ों में. ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है. कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें, देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर. कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर. वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप, और आज हमारे साथ हैं रायपुर से कविता देव जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनके स्टार्टअप जर्नी के बारे में. तो कविता जी, आपके प्रोडक्ट्स हमने जान लिए हैं कि आपके पास क्या कुछ हैं. जब मार्केटिंग की बात आती है तो काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ता है, आपको क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े मार्केटिंग के तौर पर? जब हम स्टॉल लगाते थे, फ्री के लिए भी हम बांटते थे मिलेट्स, ये क्या चीज़ है, हम कभी नहीं खाया, ऐसे छोड़ के चले जाने वाले बहुत रहते थे. मैं उनको बुला के, आप एक बार टेस्ट तो करो तब आपको पता चलेंगे. तो
तो जब टेस्ट करने के बाद कोई भी उनको नहीं छोड़ देते, तो ये एक अच्छा है ये। मगर जब मैं बोलती हूँ ये प्रोसीजर है आप कुकिंग करिए, कोई नहीं कर पाते थे। फिर उनको कुकिंग क्लास में बुलाना पड़ता था, फिर उनको ये करिए बोलना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलेट ग्रेन्स है, कोई भी बिगा के बनाने के लिए तैयार नहीं है, आप ही बिगा के दे दीजिएगा, ये बोलते थे। इसीलिए हम लोग प्री मिक्सेस बनाना शुरू किया तब से। ये तो चैलेंजेस रहे कस्टमर के व्यू पॉइंट से, लेकिन जब आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके गए तब क्या रिस्पांस आपको मिला? यस, एक्चुअली मैं आपको बताया था मैं बिजनेस क्लास से नहीं हूँ, तो मैंने सोचा फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मिलेट्स में काम किया, हर किचन में एटलीस्ट वन डे वन मील शुड बी अ मिलेट मील छत्तीसगढ़ में पूरा, एटलीस्ट फ्रॉम द अभी के लिए कम से कम रायपुर में एक मील मिलेट का होना चाहिए। मगर इसमें महंगा पड़ रहा है, तो इनको कैसे कम करके दूं? तो मैंने सोचा एक ही हो सकती है, तुम तुम्हारे प्रॉफिट कम रखो, कम प्रॉफिट रखो ताकि सब लोगों के पास चले जाए। मगर अब चैलेंज ये शुरू हुआ, मेरे से जो भी फ्रेंचाइजीज ले रहे हैं उनको पसंद आने के बाद, क्योंकि उन लोग तो दुकान लगा के रखे हैं, उनको तो 30% 20% तो चाहिए, मगर मैंने उसके बारे में पहला सोचा भी नहीं। तो अब हम लोग उसके पीछे में भी काम कर रहे हैं। अब हम लोग का प्रोडक्ट फाइनल हो गया, स्टिकरिंग वगैरह हो गया, अब उसका प्राइसेस बदलना पड़ा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, अब मैं क्या करूँ? मैंने जो सोचा कस्टमर को कम प्राइस में देना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे से। तो क्योंकि आप फार्मर भी हैं, खुद का कल्टिवेशन भी है, तो जो बाकी रायपुर में या छत्तीसगढ़ में फार्मर्स हैं आपसे कितना मोटिवेट होते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी तक फार्मर से मिलेट्स के बारे में बात करना शुरू नहीं किया हूँ, क्योंकि अब पहला मैं स्टेबल होना चाहती थी, अब मैं स्टेबल हो चुकी हूँ। अब मेरे पास FPOs आ रहे हैं, अभी शुरू हुआ, जस्ट 2 days बिफोर जब हम नया रायपुर में एक इवेंट किया है, वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल आया, उन लोग ये पूछा आप हमको सिखाएंगे क्या मिलेट्स का कैसा फार्मिंग कर सकते हैं, और मेन इम्पॉर्टेंट सीड चाहिए, देसी बीज चाहिए, ये हमको दे सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ ज़रूर दे सकती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो मैं ज़रूर आपको वो खेत में ले जाऊँगी जहाँ पर हम सबको फार्मर्स को एजुकेट करके व्हाट इज फार्मिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि आप एक टीचर भी हैं तो आप ये काम बेहतर करेंगी। जी, दैट इज़ माई एडवांटेज एक्चुअली। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था, कम से कम जब मैं समझाऊँगी सामने वालों को, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड मी। एक ही चैलेंज है, हिंदी ठीक से बात नहीं कर पाऊंगी, बट मेरी भावना उन लोग जरूर एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, आप बेहतर हिंदी भी बोल रही हैं, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ की तारीफ कर रहे होंगे कि आप आंध्रा से हैं और इतनी बेहतरीन हिंदी आप बोल रही हैं हमारे बीच में। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोसेसिंग की, तो जो आपके प्रीमिक्सेस हैं किस तरह से तैयार होते हैं, मशीनें क्या कुछ हैं आपके पास? हाँ, ये एक चीज़ है, मैं इन्वेस्टमेंट पहले से 10 लाख 20 लाख में मैं नहीं रखा हूँ। मैं मार्केट में कुकिंग में सबको सिखाने में पैसा लगाया, क्योंकि अब मैं प्रोसेसिंग यूनिट लूँगी तो इसके लिए बहुत सारी लाखों रुपए खर्चा होगा। दूसरा है, मैं IIMR से ऑलरेडी रिलेटेड हूँ, तो वहाँ से भी मैंने फंडिंग के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पर भी ग्रांट आएंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा अब पहला कुछ दिन तक मैन्युअली काम करो। कुछ कुछ चीज़ जो मुझे कुकीज़ बना रही हो वो टेक्नोलॉजी मेरी है, बट मैं बाहर जाके उनको जॉब वर्क में करवाती हूँ। अब हमारे लिए बहुत अच्छा ये हो गया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रीपा करके एक ऑर्गेनाइजेशन लेके आया, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स। इसमें जो मिशनरीज आपको चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम पे रहते हैं, मगर वो दिया गया प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हम MOU लिखेंगे इनका साथ में 2 years 3 years, हमको जो मिशनरीज चाहिए गवर्नमेंट वो मिशनरीज देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो अब नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे, सेकेंड क्वेश्चन ये भी था, मैं आपको प्रोसेसिंग यूनिट्स भी दिखाऊंगी वैल्यू एडिशंस में वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से हेल्प कर रही है, कि जो लोग स्टार्टिंग में मशीनरी पे अपना पैसा बहुत ज़्यादा नहीं खर्च कर पाते हैं, ग्रांट लेने में टाइम लग जाता है, तो उनके लिए एक बेहतर बहुत अच्छा आइडिया था। बिकॉज एक स्टार्टअप है, आप भी जानते हो, फाइनेंशियली दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ, दे हैव अ वेरी गुड आइडिया, बट उसके लिए कैसा आगे बढ़े? तो मेरे लिए तो गवर्नमेंट बहुत मदद किया है, और साथ में मैं जिन जिन के साथ मिलते जा रहा हूँ उन लोग भी साथ में जुड़ते जा रहे हैं। नहीं, ये अच्छा चीज़ है, आप सही एक्सप्लेन किए हो,
आगे वाला जिंदगी क्या है, मैं उनको समझा देती। अब चावल के पीछे जाएंगे आप तो कब तक आप बच पाएंगे? चावल के लिए आपको पता होगा, 1 किलो ड्राई राइस आपके पास किचन में आने के लिए 3600 लीटर्स ऑफ वाटर लगता है, मगर वही आप मिलेट उगाएंगे 360 लीटर्स वाटर काफ़ी है, मतलब 10 टाइम्स मोर वाटर ज़रूरत है। बिल्कुल, और जो हम इस वक्त क्लाइमेटिक चेंजेस जो फेस कर रहे हैं उसके लिए तो ये बेहद अच्छा ऑप्शन है कि हम मिलेट्स को चूज़ करें। yes. क्योंकि धान में आप वाकई सही बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। एक वो रीज़न था मैं मिलेट्स में चेंज होने के लिए। सेकेंड रीज़न इज़ दैट किसी ज़मीन में चले जाएंगे, वो बर्री ज़मीन हो या कुछ भी हो, वेस्टेड ज़मीन हो या पूरा रेतीला ज़मीन हो, किसी में भी उगता है। बिल्कुल, और एक टीचर हमें सिखाता है कि हमें वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी है, खासतौर से पानी या बिजली जैसी चीज़ों की, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम ये सब चीज़ें सेव करें, और एक टीचर ही इतना सोच सकता है जो देश का भविष्य बनाते भी हैं और वो खुद भी इस पर अमल कर रही हैं। घर से क्या कुछ, फैमिली के क्या कुछ चैलेंजेस थे जब आपने टीचिंग जैसे प्रोफेशन को छोड़ के और फार्मिंग को चूज़ किया? जब मैं फार्मिंग शुरू किया था तब तक मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरी बड़ा बेटा तब तक 20 रीच हो गया है, तो उनका एजुकेशन होने के बाद ही मैंने सोचा अब मैं खाली बैठ नहीं सकती, तो मुझे मेरी इच्छा से कुछ तो काम शुरू करो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब तुम आज़ाद हो, तुम कुछ भी कर। घर से कोई किसी कुछ भी कोई चीज़ चैलेंज नहीं था? यस, घर में तो कोई चैलेंज नहीं था, बट फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे शुरुआत में 4 इयर्स मुझे बेयर किया है इसमें। अब मैं खड़ी हो गई हूँ बिकॉज आई स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरशिप अलॉन्ग विथ माई फार्मिंग। ये दोनों चीज़ से हम अभी ठीक है। बट एक ही चीज़ है, पहला जैसा बच्चों को टाइमली मैं रह के गर्म खाना खिलाना, ये सब अब मेरे से नहीं हो पा रही है, किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। बट बाकी चीज़ में मुझे एक ही चीज़ चाहिए, अब मेरे बच्चे हैं, उनका बच्चे जब आएंगे व्हाट विल हैपन। आपने जो बोले थे एज अ टीचर आपने अच्छा सोचा, तो ये पहला दिन मैंने यही सोचा था अब क्या होगा, खेती में क्यों जानी है, अब चावल ही नहीं मिलेगा। मेरे को लग रहा है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिपोर्ट्स, 10 साल के बाद आपको चावल मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ज़मीन पूरा केमिकल हो चुका है, देर इज़ नो वाटर एंड केमिकल वाटर दोनों नहीं है, तो आपका लैंड कहाँ आपको प्रोडक्शन दे सकती है। उस जगह पे मिलेट्स आप यूज़ करेंगे, मिलेट्स को उगाने का पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, ना उसको केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी ज़मीन में चले जाएगा, और इतना फाइबर है, इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू है मिलेट, तो आपको बहुत कॉम्पनसेट करेगा आपका राइस में। तो जैसा कि कविता जी ने बताया था कि ये कुकिंग भी सिखाती हैं और किस तरह से मिलेट्स को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है वो ये लोगों को बताती हैं, तो हम भी उनसे जानेंगे। और साथ ही एक मिलेट कॉफ़ी कैफ़े भी से भी वो जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ दीदी के साथ। भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। हमारे यूनिवर्सिटी में एग्री रफ्तार ICR की एग्री रफ्तार के द्वारा करीब 60 से 70 स्टार्टअप अब तक के हमने इनको यहां से ग्रेजुएट किया है। इन्हीं स्टार्टअप में से एक और स्टार्टअप है जो माइनर मिलेट में बहुत अच्छा काम कर रही है, कविता जी, इनने भी क्या किया कि इसके उत्पाद से खाद्य पदार्थ कैसे बनेंगे, जैसे इडली डोसा बड़ा भजिया या कुकीज़, इसकी रेसिपी भी बनाई है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि सरकार ने इस बार पहली बार सभी स्टेक होल्डर को साथ में लेके काम किया है। मिलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अगर आप खाने के रूप में देखें तो ये खाने के साथ सेहत भी है, और अगर आप इसे दवा के रूप में देखें तो ये एक ऐसी दवा है जिसमें स्वाद भी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में और हमारे साथ हैं आज कविता देव जी। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं। थैंक यू, दिस इज़ द मिलेट कैफे आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हमारा मिलेट कैफे है रायपुर में, फर्स्ट टाइम खुला है ये और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। आइए हम आपको दिखाएंगे क्या क्या बनेगा, आइए। जाहिर तौर पर कैफे है तो ड्रिंक्स तो यहाँ पे होंगी ही मिलेट से बनी, और क्योंकि हमने व्यूअर्स को बताया था कि कविता जी कुकिंग भी सिखाती हैं, तो आप कुकिंग में आज हमारे व्यूअर्स को क्या बनाना सिखाएंगी? आज हम लोग डोसा दिखा देंगे और साथ साथ उसको पकौड़े बनाना सिखाएंगे मिलेट्स के साथ, एंड अ हेल्दी ड्रिंक बाय द नेम ऑफ अम्बली, मिलेट अम्बली, वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर आइए। ये लीजिए आपके लिए डेलीशियस एंड टेस्टी मिलेट डोसा रेडी है। देखने में तो काफ़ी यम्मी लग रहा है, टेस्ट करके भी बता देती हूँ कैसा है ये। रियली यम्मी, सच में आपने डिलीशियस बनाया है डोसा। थैंक यू, बस आप भी मिलेट डोसा ज़रूर ट्राई करें। डोसे के बाद हमारे पकोड़े भी यहाँ पर मैम बनाना सिखाएंगी आपको, तो चलिए आप पकौड़े भी जान लेते हैं कैसे बनते हैं। हम लोग मिलेट का पकोड़े का बैटर है ये, आप जानते हो पकोड़ी बनाना है कुछ तो बाइंडिंग एजेंट ज़रूर चाहिए, और ये बाइंडिंग मिलेट में है ही नहीं बिकॉज ये ग्लूटेन फ्री है। हम क्या इसके लिए टिप समझाते हैं, एलिफेंट यम जो रहता है जिमी कांदा, उसका पाउडर हम इसमें डालते हैं, क्योंकि जिमी कांदा का पाउडर तो सबसे न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें भी है। आपको इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए तो आप बनाना पाउडर डालिए या कुछ और, बेसन मत डालिए क्योंकि बेसन एसिडिटी बढ़ाती है, तो आपको जो भी लगेगा कॉर्न की पाउडर भी डाल सकते हैं। आइएगा कैसा बन रहा है देखेंगे। बाकी सब आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह जो आपकी मन है वेजिटेबल्स डालिए, अदरक डालिए, जिंजर डालिए और कैरेट काट के सब ग्रेट करके डालिए। हम तो ज़्यादा पालक डालते हैं, पालक अच्छे से हल्का सा काट देते हैं, कैबेज और पालक ज़रूर हम डालते हैं। मैं रोज मिलेट से बनी हुई अम्बली पीती हूँ, उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, फ्रेश लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अम्बली पियो और अपने हेल्थ का ध्यान दो। तो मैम आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रियल में बहुत टेस्टी हैं और हेल्दी तो है ही, क्योंकि मिलेट से तैयार हुए हैं वो। तो अगर मैं आपसे बात करूँ आपके स्टार्टअप का विजन, फ्यूचर विजन क्या है आपका? जैसा मैंने बोला था, आई एम अ फार्मर ऑल्सो, मैं चाहती हूँ फार्मर्स को भी आगे बढ़ाए, साथ साथ में ले चलूँ मेरी स्टार्टअप का साथ साथ, साथ में किसी को व्हाट इज़ ए इनको आगे बढ़ाने के लिए। मैनी पीपल आर देयर हु वांट जॉब्स, मैनी पीपल आर देयर हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस, उनको भी मैं मौका देना चाहती हूँ। और जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो आपने बताया कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं आप उनके लिए भी कुछ करना चाहती हैं। जी, वो एक्चुअली ये नबार्ड बैंक मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर्स है, उनके लिए जॉबलेस है, और ये जो लोग हैं मतलब उनके लिए कुछ घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन लोग घर छोड़ के आए हैं या कुछ भी है, बट दे आर एलोन, उनके लिए एक होम दिया गया है बट दे नीड सम वर्क। तो मुझे बोला गया है कविता जी आप कुछ मदद कर सकते हैं, तो हमारी जो मुरकू बनेगी, लड्डू बनेगी, चिवड़ा बनेगी और आगे जो भी हेल्प है, मैं चाहती हूँ उनको थोड़ा सा जॉब वर्क भी रखो, उनको भी थोड़ा आगे ले जाओ। और ऐसी अच्छी सोच एक टीचर की हो सकती है जो सिर्फ अपने आप को ग्रो करना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जो उसके पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो कम्युनिटी है, जो समाज है, जो देश है, वो भी उसके साथ साथ ग्रो करे। तो बहुत अच्छे आपके जो थॉट्स हैं, जो विजन है, वो बहुत अच्छा है। और लास्ट में मैं हमेशा सबसे जानना चाहती हूँ और आपसे भी यही कहूँगी कि जो यूथ इस वक्त आपको देख रहा है, और क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, एक स्टार्टअप चला रही हैं, एक फार्मर भी है, तो आप जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स की उनको समझती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आज उनको? मैं ये चाहती हूँ यूथ स्पेशली हु आर इन बिटवीन 15 to 25, इनके पास अपने लिए दो दिन ज़रूर टाइम लेते हैं,
इसमें कम से कम 4 to 5 आवर्स आपके आसपास के फार्मर्स कम्युनिटी के लिए ढूंढिएगा कौन है, उनको आपकी ज़रूरत बहुत है। इसके साथ मैं आपको ये भी जोड़ना चाहती हूँ यूथ के लिए, आप जॉब्स के पीछे मत जाइएगा, मेन इम्पॉर्टेंट आपका खुद को जो इनोवेटिवनेस है, आइडियाज़ है, उसको लेके आगे बढ़िए। गवर्नमेंट खुद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है स्टार्टअप्स के लिए, फंडिंग नहीं ग्रांट्स भी दे रही है। और मे बी आफ्टर 45 आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप विथ अ ग्रांट, नॉट 1-2 grants, तो आपका जैसे लोग और कितना ला सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी अपना अपना खुद का आपका एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करिए। बेहद अच्छा आपने मैसेज दिया है यूथ को कि जो यूथ है वो सिर्फ जॉब नहीं है उसके पास आज की डेट में एक ऑप्शन, बल्कि पढ़ लिख कर एग्रीकल्चर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिससे ना सिर्फ आप अपने आप को ग्रो करेंगे बल्कि जो एक कम्युनिटी है, जो देश है, आप उसको भी अपने साथ ग्रो करने का मौका देते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो मैम। थैंक यू वेरी मच एंड द बेस्ट विशेस फॉर आवर साइड। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों आपका जो प्यार कृषि स्टार्टअप शो को आप दे रहे हैं अपनी मेल्स के जरिए, में बेहद अच्छा लगता है जब आपकी मेल्स आती हैं और आप उसमें लिखते हैं कि कृषि स्टार्टअप जो प्रोग्राम है उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी जानकारी भी आपको मिलती है। और आपका ये जो प्यार है मेल्स के जरिए जो हमें मिलता है, उम्मीद करती हूँ ये लगातार इसी तरह जारी रखेंगे आप। और इसी के साथ आपसे लूँगी इजाज़त, नमस्कार।